वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आपके लिए अब लेके आ गया हूँ 5 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है ना, वो लेके आ गया हूँ। उसका मैथमेटिक्स के फुल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो आप बने रहे हमारे साथ। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब आज के क्वेश्चन में जो जिस प्रकार बच्चों ने बताया कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे संभावना की आगे की जो और शिफ्ट है ना, उनमें भी सिंपल ही पूछने वाला है वो। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 3x का हमें क्या क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के 1/3 cos 3x, ठीक है। sin x का कितना हो जाएगा, माइनस cos x, और 1/3 3 मल्टीप्लाई में तो 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमें सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, PE दिया हुआ है 0.3 एंड द PE इंटरसेक्शन F दिया हुआ है 0.2। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है PE अपॉन F की, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यानी कि जो ये होती है ना हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन P, सॉरी F अपॉन P इंटरसेक्शन F, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.2, और इसकी वैल्यू होगी 0.3, यानी कि 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें इंटीग्रेशन से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 से 1 तक है एक्स, यहाँ से मोड एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ से अब मोड एक्स के लिए हम देखें, मोड एक्स के लिए 0 से इधर प्लस की ओर होता है, इधर माइनस, ऐसे में कितने तक देखना है, -1 से +1 तक देखना है, ठीक है, -1 से +1 तक देखना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि इधर वाली वैल्यू में लिए तो माइनस का एक्स हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन -1 से 0 तक, ठीक है, कितना हो जाएगा, -x² प्लस यहाँ से 0 से 1 तक कितना हो जाएगा, dx, ठीक है, यहाँ पे भी dx, यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट से आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, e^(1/x) और 1/e^(1/x+1, यहाँ से देखिए e^(x) को मान लेना और कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, फिर इसी प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर वैसे तो 1 ही किया होगा, लेकिन वैसे हम अच्छे तरीके से देखें तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। वो कैसे, किस प्रकार, देखिए इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हम 0+ यानी कि आगे की लेंगे पद तो क्या आ जाएगा, 1, और जबकि 0- लेंगे x→0-, ठीक है, तो वहाँ से हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें आंसर 1 नहीं होगा, इसमें होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अधिकतर बच्चों ने क्वेश्चन को गलत किया हुआ, ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से देख लेना। हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है 4e^3x+1, यहाँ से अलग अलग कर लेंगे इन दोनों का तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है i^4n+1, यहाँ से देखिए इनको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, i^4n+i, sorry, 2 × i, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो इसकी वैल्यू टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आइटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंडीशन ऑफ ए पी की क्या कंडीशन है। इससे पहले वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कंडीशन ऑफ GP, तो इसका AP की कंडीशन क्या हो जाएगी, 2B = a+c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिफ्रेंशिएशन से d/dx cos³x, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था हमें पहले वाले शिफ्ट में, ठीक है, तो इसका भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है फलन दिया हुआ है हमें f(x) = 1/x, ठीक है। यहाँ से x = 0 पर कंटिन्यूटी हमें जांच करनी है कि कंटिन्यूटी है या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कंटिन्यूटी, यानी कि संतत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होगा, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, e < 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेन इनवर्स का परिसर, टेन इनवर्स अक्ष का परिसर कितना हो जाएगा, माइनस
पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू वेक्टर, यदि टू वेक्टर का जो सम है ना उसका, यानी टू वेक्टर का मिड पॉइंट पूछा था, तो टू वेक्टर का मिड पॉइंट कैसे करेंगे, ये ए वेक्टर हो गया, ये प्लस बी वेक्टर हो गया अपॉन टू, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, तो वो दिया हुआ है 4 एंड -4, -6, ठीक है, में वाई एक्स के पैरेलल समीकरण, वाई एक्स के पैरेलल जो रेखा ना उसका समीकरण ज्ञात करना, तो वाई एक्स के पैरेलल यानी कि एक्स एक्स, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एन असमान वस्तु के कितने परमिटेशन बनाई जा सकती है, हमारा पी एन सी से आया हुआ है, तो एन असमान वस्तु से कितने परमिटेशन बनाए जा सकते हैं, वो हो जाएगा एन फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए, पहले माइनस वन को बाहर लेने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, 1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई थ्री की, यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो कितना देगा 2π/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वाई बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, तो एक्स 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 बराबर ए से तथा एक्स बराबर बी से गिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा, तो इससे गिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा, वो देखिए वो जाएगा ए से बी तक, ठीक है, वाई डी एक्स इक्वल्स टू ए से बी तक, ए से बी तक ही है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इससे गिरा हुआ क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सानिक से आया हुआ है, तो यहाँ से देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, ये भी कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई में की पावर होल पावर 10 है, तो इसमें कितने टर्म होंगे, तो आप सीधे जानते हो 10+1 यानी कि 11 टर्म हो जाएंगे इसमें, ठीक है, तो मैंने इसका पूरा सोल्यूशन करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप कम कर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें 6 नवंबर की सभी शिफ्टों के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।